वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टैंडर्ड 12th में जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम आज बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। मतलब जैसे आप देखते हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो जैसे आप जानते हो कि माइक्रोब्स को हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कड़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ढोकला है, या तो जो लिवनिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को लिवनिंग करने के लिए भी हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। दूसरा, जो माइक्रोब्स है उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखो तो जो माइक्रोब्स है उनको दवा बनाने की इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, मीन्स के फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा, अब देखोगे तो जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है, एल्कोहल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है, दे ऑल्सो यूज माइक्रोब्स। बरोबर, वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, एंजाइम्स बनाने वाली जो कंपनी है। दूसरा, आप देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी हो गई हमारी, हॉर्मोन्स बनाने वाली जो कंपनी है, मतलब के हॉर्मोन्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। तो जो माइक्रोब्स है, ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, तो माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन अवर नेकेड आई। माइक्रोब्स हम किन को बोलते हैं कि माइक्रोब्स वो होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लाइक जैसे एग्जांपल हो गया आपका माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया है उनको हम माइक्रोब्स बोल सकते हैं। जो वायरस है दे आर ऑल्सो नॉन एज अ माइक्रोब्स, ईस्ट, इनको भी हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो जैसे बच्चों आप जानते हो कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए हार्मफुल ही है। बरोबर, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है जो हमारे लिए हार्मलेस है, इवन उनका हम यूज हमारे वेलफेयर के लिए करते हैं, मतलब हमारी लाइफ इजी हो जाए। कुछ डिजीज है तो माइक्रोब्स को यूज करके ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती है कि उस डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स का अलग अलग यूज है। तो जैसे आप देखोगे माइक्रोब्स का दो यूज होता है, एक तो मतलब के यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में कौन सी ऐसी चीज है जहां पे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। दूसरा, के यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब कि जो कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रीज होती है तो वो लोग माइक्रोब्स का कहां कहां पे यूज करते हैं और कौन सी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स का यूज करके आप एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हो। एंटीबायोटिक मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस विच किल्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। तो एंटीबायोटिक बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है, मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो एंटीबायोटिक बनाती है, दे ऑल्सो यूज माइक्रोब्स, बराबर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स। नाउ दूसरा, अब देखोगे तो जो एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। ये आपका स्टैंडर्ड 12th जो चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें जो हमारा यूनिट है कि यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उसके अंदर आज हम देखेंगे एंजाइम्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि वी आर गोइंग टू लर्न। सो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एंजाइम्स। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज या व्हाट आर एंजाइम्स, बराबर, एंजाइम्स क्या होते हैं, या तो एंजाइम्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जो डेफिनेशन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का जो हमारा
टॉपिक है वो है एंजाइम्स। उसमें आज हम पढ़ेंगे कि भी व्हाट इज एंजाइम्स या तो व्हाट आर एंजाइम्स। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है एंजाइम्स, अगर आप ये पूरा टॉपिक देखोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नीट में पूछे जाते हैं तो वो एंजाइम्स में से पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि प्रोटीज एंजाइम्स है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एमिलेज है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, रेनेट हो गया आपका, लेक्टेज हो गया, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। तो ये जो कुछ इंपोर्टेंट एंजाइम्स है बराबर कि जिनको हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम्स है, इनको कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है और उस इंडस्ट्रीज में किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है तो प्लीज वॉच टूडे वीडियो लेक्चर टिल एंड, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर, सो यू शुड नो व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं ये आपको जानना है बराबर। नाउ तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखो कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। जो एंजाइम्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, तो एंजाइम्स जो आपके एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन इन नेचर, ये नेचर में प्रोटीन होते हैं। प्लीज रिमेंबर एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स आर काइंड ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स के इनका जो स्ट्रक्चर होता है दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। अब जनरली आप देखो यहां से आपको एक नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है, तो एंजाइम्स को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी बोलते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हर पॉइंट आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, मतलब एंजाइम है तो एक तरह के प्रोटीन्स। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा आप देखो तो आपकी बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई एंजाइम्स आर नॉन एज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि व्हाई एंजाइम्स आर नॉन एज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इनको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, राउंडेड। तो जो एंजाइम्स जो एक तरह के प्रोटीन होते हैं तो दे आर राउंड इन द स्ट्रक्चर। जो एंजाइम्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चर में राउंड होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। Therefore, enzymes are known as a globular protein. Enzymes are known as a globular protein. तो यहां से हमको एक तो बोर्ड का क्वेश्चन मिल गया कि भाई एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्यों बोलते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। नाउ आगे देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि भाई एंजाइम्स हमारे बॉडी में करते क्या है, मतलब कि जो एनिमल के बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल कि एंजाइम्स एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट है जो बॉडी खुद बनाती है, मतलब कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर विच इंक्रीज द रेट ऑफ कैटलाइज, मतलब ये क्या करते हैं कि मतलब कि एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोकैटलाइजर।
एंजाइम बायोकेटेलाइजर की तरह काम करते हैं, मतलब कि एंजाइम्स। तो हमारी नेक्स्ट लाइन हो गई कि एंजाइम्स एक्ट एज बायोकेटेलाइज, बायोकेटेलाइज बरोबर, बायोकेटेलाइज। अब बायोकेटेलाइज मतलब क्या होता है, तो एंजाइम बायोकेटेलाइज का मतलब क्या होता है, केटेलाइज का मतलब क्या होता है, केटेलाइज का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, मतलब कि इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, या तो इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड एक्ट एज अ बायोकेटेलाइजर विच इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल आपकी डेफिनेशन हो गई बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एंजाइम्स। तो सिंपल आपको याद रखना है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर विच एक्ट एज अ बायोकेटेलाइजर, दे इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसकी जो रेट है, मतलब कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो देयरफॉर एंजाइम्स आर नोन एज अ बायोकेटेलाइज। तो अब आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकेटेलाइजर। तो दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम कि व्हाई एंजाइम्स आर नोन एज अ बायोकेटेलाइजर। सो एंजाइम्स आर नोन एज अ बायोकेटेलाइजर बिकॉज दे इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये तो हो गया आपका एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में हमने देख लिया कि भाई एंजाइम्स क्या होते हैं। अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है एंजाइम्स, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये जो टर्म है मतलब कि हु कॉइंड द वर्ड एंजाइम्स, या तो हु कॉइंड द टर्म एंजाइम्स। ये जो एंजाइम टर्म है ये किसने दिया था, तो याद रखो द टर्म, सो द टर्म एंजाइम्स वॉज कॉइंड फर्स्ट टाइम बाय, किसने ये वर्ड दिया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट की एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एंजाइम वर्ड है ना ये किसने दिया था, तो दिस टर्म वॉज गिवन बाय विलियम कूनी ने ये टर्म दिया था। विलियम कूनी कब दिया था, 1867 में। प्लीज रिमेंबर ये जो पूरा लाइन है, ये लाइन आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है बच्चों, प्लीज रिमेंबर बरोबर। तो द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन फर्स्ट टाइम बाय द विलियम कूनी इन 1867 में विलियम कूनी ने पहली बार एंजाइम टर्म दिया था। अब आप देखोगे ना तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। चलो ये हो गया, आपको मालूम पड़ गया कि भाई व्हाट आर एंजाइम्स, और ये जो एंजाइम वर्ड से वो किसने दिया था वो आपको मालूम पड़ गया। नाउ अब देखो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, मीन्स के ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि जो एंजाइम्स होते हैं, सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की आप देखोगे ना तो दो कैटेगरीज है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स,
एक होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम बरोबर, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका एडेप्टेटिव एंजाइम्स। तो दो कैटेगरीज है आपकी, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके नीट के एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ एंजाइम, एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही ये प्रोड्यूस होता है, सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही ये प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के एंजाइम्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। दूसरा जो हमारा एंजाइम है वो है एडेप्टेटिव एंजाइम्स। तो एडेप्टेटिव एंजाइम जो माइक्रोब सेल होते हैं दे प्रोड्यूस, मींस के एडेप्टेटिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल सेल इन अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अगर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो हमारे जो माइक्रोबियल सेल होते हैं वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उन एंजाइम को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, तो वी पुट देम इनटू एडेप्टेटिव एंजाइम्स, एडेप्टेटिव एंजाइम। तो बच्चों मालूम पड़ गया कि एंजाइम को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स बरब, वो एंजाइम कि वो उतने प्रोड्यूस होते हैं जितनी हमारी सेल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे जो एंजाइम है वो है एडेप्टेटिव एंजाइम्स। एडेप्टेटिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल सेल इन अगेंस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर या तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अगर हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा उसके सामने रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे माइक्रोबियल सेल जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उन एंजाइम को हम एडेप्टेटिव कैटेगरीज में रखते हैं। ओके बच्चों, चलो ये तो हमने पढ़ लिया पूरा, मतलब हमारा सेगमेंट क्लियर हो गया कि भाई एंजाइम्स क्या होते हैं बराबर, टर्म एंजाइम किसने दिया था। तो वापस एक मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स एक प्रोटीन होते हैं, मींस के अगर उनका स्ट्रक्चर देखो, अगर उनका नेचर देखो, तो जो प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो नेचर में प्रोटीन होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है बराबर। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एज अ कैटेलाइजर यूज करते हैं बराबर, सॉरी एज अ कैटेलाइजर कैटेलाइज काम करते हैं, बायो कैटेलाइज काम करते हैं, मींस के दे इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो मालूम पड़ गया, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हम पढ़ते हैं कि भी कौन से एंजाइम्स है जिनको हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि हमको सारा तो पढ़ना नहीं है। ये जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां पे हम पढ़ क्या रहे हैं, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका हम हमारी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कहां पे यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो भाई चलो बैक्टीरिया को हम कहां पे यूज करते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो, वायरस को हम कहां पे यूज करते हैं, ईस्ट है उसको हम कहां पे यूज करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो माइक्रोब्स है उनको हम हमारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि दूध में से दही बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम यूज करते हैं। या तो जैसे आप देखोगे तो जो लिवनिंग होता है, लिवनिंग जो ब्रेड होता है, ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, मतलब ईस्ट यूज करते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं तो वो ये है कि भाई एंजाइम्स को हम बीवरेजेस इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, एल्कोहल बनाने वाली जो कंपनी है बराबर वो लोग भी एंजाइम्स को यूज करते हैं। फिर बेकर्स मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट होती है तो बेकरी प्रोडक्ट में भी हम एंजाइम को यूज करते हैं। तो ये तो चलो हो गया आपका हाउस होल्ड। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है आपका कि भाई माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रीज में कहां पे यूज करते हैं, तो एंजाइम हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम है जिनको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अभी जो मैं लिख रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एंड एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंजाइम, या तो राइट शॉर्ट नोट्स
ऑन एंजाइम मीन्स के यूज ऑफ एंजाइम इन इंडस्ट्रीज, मतलब कि कौन कौन से एंजाइम है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम कौन सा एंजाइम लेंगे बच्चों? तो फर्स्ट हम लेंगे प्रोटीज। एक हमारा जो एंजाइम है फर्स्ट एंजाइम होगा हमारा प्रोटीज, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट हमारा एंजाइम हो गया प्रोटीज। प्रोटीज, ये जो प्रोटीज एंजाइम है बच्चों, प्रोटीज एंजाइम को हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी हम बोलते हैं। अब देखो मैं आपको यहां पे नीट में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा मैं आपको बता देता हूं, और बोर्ड की एग्जाम में भी कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि ऑप्शन ए होगा आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस, ऑप्शन बी होगा आपका लैक्टेज, ऑप्शन सी होगा आपका प्रोटीज एंड ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच एंजाइम इज नॉन एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नीचे जो एंजाइम्स के नाम दिए हैं उनमें से कौन से एंजाइम्स को हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रोटीज। प्रोटीज को हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं, बिकॉज प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। जो प्रोटीज एंजाइम है वो हमारी कुछ बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होती है उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो प्रोटीज मालूम पड़ गया, प्रोटीज विच इज कॉमनली नोन एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब आप देखो कि ये जो प्रोटीज है इसको हम कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी इंडस्ट्रीज होगी वो होगी लीथर, लेदर इंडस्ट्रीज, सॉरी। तो फर्स्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज होगी वो होगी लेदर इंडस्ट्रीज। सो याद रखो के जो प्रोटीज है उसको लेदर इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। चमड़े बनाने वाली जो कंपनी होती है वहां पे इसको यूज किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है? तो चमड़े, अब देखोगे किसी मोची के पास या तो जहां पे जूते बनते हैं, या तो जहां पे मतलब कि लेदर की बैग बनती है, या तो जहां पे बेल्ट बनाया जाता है वहां पे आप देखोगे ना, तो वो जो बंदा होता है ना वो मतलब कि लेदर को किसी चीज में भिगो के फिर उसको टीचता है, मतलब एक स्मूथ करता है। तो वो जो एंजाइम होता है मतलब कि प्रोटीज हम लेदर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। चलो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई प्रोटीज एंजाइम प्रोटीज आर यूज इन द लेदर इंडस्ट्रीज, बट क्यों यूज करते हैं ये भी आपको पूछा जाएगा। तो के प्रोटीज एंजाइम प्रोटीज आर यूज इन द लेदर इंडस्ट्रीज फॉर बाइटिंग ऑफ हाइड्स, मींस के सॉरी बीटिंग ऑफ हाइड्स। सो बीटिंग ऑफ हाइड्स याद रखो बच्चों के एंजाइम प्रोटीज यूज इन अ लेदर इंडस्ट्रीज फॉर बीटिंग ऑफ हाइड्स। जो हाइड्स होते हैं उसको बीट करने के लिए हम प्रोटीज एंजाइम यूज करते हैं। अंडरस्टूड? चलो ये मालूम पड़ गया आपको लेदर इंडस्ट्रीज। सेकेंड हम प्रोटीज जो है उसको कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, दूसरी कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पे हम प्रोटीन को यूज करते हैं, सॉरी प्रोटीज एंजाइम को यूज करते हैं। तो सेकेंड जो हमारी इंडस्ट्रीज होगी वो होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल्स। सो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रोटीज एंजाइम को यूज किया जाता है, मींस के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर यूज इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर द रिमूविंग ऑफ प्रोटीनस स्टेन्स, मतलब कि कपड़े पे जो प्रोटीन के स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम प्रोटीज एंजाइम यूज करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहां पे यूज करते हैं? फॉर रिमूविंग प्रोटीनस स्टेन्स। प्रोटीनस स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीज एंजाइम यूज करते हैं। तो दो इंडस्ट्री हो गई बच्चों, पूछा जाएगा तो याद रखना है कि प्रोटीज एंजाइम लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है।
दूसरी कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पे प्रोटीज एंजाइम यूज होता है, तो जो हमारी तीसरी जो इंडस्ट्रीज होगी वो है सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क की जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आप देखते हो जो साड़ी होती है, मतलब आपकी जो मम्मी है या तो आपकी जो बहन है, वो जो साड़ी जो पहनती है जो सिल्क की होती है, तो ये जो सिल्क इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पे भी प्रोटीज एंजाइम को यूज किया जाता है। बट क्यों यूज किया जाता है? सो टू लिबरेट द सिल्क फाइबर, जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं उनको निकालने के लिए आपको प्रोटीज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उनको निकालने के लिए आपको प्रोटीज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सो टू लिबरेट सिल्क फाइबर को लिबरेट करने के लिए आप प्रोटीज एंजाइम को यूज कर सकते हो। बच्चों मालूम पड़ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट, प्लीज राइट डाउन, बरोबर। या तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बरोबर, बाद में। सो लाइक जैसे दूसरा, आप प्रोटीज एंजाइम को हम कहां पे यूज करते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज, जो ड्राई क्लीनिंग जहां पे कपड़ों को ड्राई किया जाता है, तो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में भी हम प्रोटीनेस एंजाइम को यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं भाई ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में हम क्यों यूज करते हैं? टू रिमूव द फूड स्टेन, कपड़ों पे जो खाने के, अब देखो कभी कभी खाते खाते कुछ चीज होती है खाने की, बरोबर, जैसे दाल हो गया या तो सब्जी हो गई, वो हमारे कपड़े पे गिर जाती है, तो वो जो स्टेन बन जाता है, डागा बन जाता है, मतलब धब्बे लग जाते हैं कपड़े पे फूड के, उसको रिमूव करने के लिए भी हम प्रोटीज एंजाइम यूज करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में कहां पे यूज करेंगे? फॉर रिमूविंग फूड स्टेन्स। तो देखो, तो फर्स्ट आपका एंजाइम कौन सा हो गया? आपका प्रोटीज एंजाइम हो गया, फर्स्ट एंजाइम हो गया हमारा प्रोटीज एंजाइम। अब सेकेंड एंजाइम की हम बात करते हैं, तो सेकेंड एंजाइम है हमारा एमिलेज। सेकेंड आपका कौन सा एंजाइम होगा बच्चों? एमिलेज। एमिलेज के बारे में आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है कि एमिलेज जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं एमिलेज, जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तो मतलब एमिलेज करता क्या है? तो सेकेंड एंजाइम है, ये जो एंजाइम है एमिलेज, इसको भी हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। एमिलेज क्या करता है? एमिलेज डिग्रेड स्टार्च, जो स्टार्च है ना उसको तोड़ता है, डिग्रेड स्टार्च। अब बेसिक अंडरस्टैंड करते जाओ बच्चों, बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी, एंजाइम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एमिलेज जो स्टार्च को डिग्रेड करता है, डिग्रेड मतलब तोड़ता है, डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च बर। तो अब इसको हम कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज में हम एमिलेज को यूज करते हैं? तो जिसे आप देखो, तो एमिलेज को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किसके लिए यूज करते हैं? तो एमिलेज आर मतलब के एंजाइम्स, एंजाइम एमिलेज आर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर द रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम द वुवन। सो रिमूवल, वुवन में से रिमूवल ऑफ स्टार्च फ्रॉम वुवन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई एमिलेज जो एंजाइम है उसको हम वुवेन में से स्टार्च को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो एंजाइम एमिलेज है वो स्टार्च को डिग्रेड करता है, स्टार्च को डिग्रेड करता है। तो जो वुवेन होते हैं उसमें से स्टार्च को रिमूव करने के लिए भी हम एंजाइम एमिलेज यूज करते हैं, एंजाइम एमिलेज हम यूज करते हैं। सेकेंड इसका क्या होता है? तो आप जैसे देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो एमिलेज एंजाइम है इट इज यूज इन द ब्रीवरेज ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, बरोबर। जो एमिलेज एंजाइम है ना इसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। तो
ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एंजाइम इज यूज इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, कौन सा एंजाइम है जिसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो एमिलेज, एमिलेज जो हमारा एंजाइम है उसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ओके बच्चों, नाउ दूसरा सेम टू सेम कि जैसे हमने देखा कि जो प्रोटीज एंजाइम है उसको ड्राई क्लीनिंग करनी है, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ फूड स्टेन, उसी तरह से एमिलेज को भी हम ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ फूड स्टेन। बर तो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज भी इसमें हम लिख सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज। सो ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दो एंजाइम के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया, प्रोटीज के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा एमिलेज के बारे में, एमिलेज के बारे में। तीसरा जो आपका एंजाइम है वो है रेनेट, इसको मैं न्यूमेरिकल में लिख लेता हूं जिससे कंफ्यूज ना हो जाए। तीसरा जो हमारा एंजाइम से वो है आपका रेनेट। सो जो थर्ड एंजाइम है सो दैट इज रेनेट, बहुत छोटा सा है, दो लाइन का है, बट दो लाइन में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों नीट के अंदर, बराबर। तो इंपॉर्टेंट तो है, छोटा है बट मोटा है, बराबर। सो नाउ रेनेट, रेनेट एंजाइम की हम बात करें तो रेनेट सबसे पहले तो ये होता है कि भाई रेनेट को हम कहां से निकालते हैं। तो रेनेट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टमक ऑफ काफ, बराबर। तो रेनेट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टमक, स्टमक ऑफ काफ। जो गाय जो होते हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं उनको हम काफ बोलते हैं। तो ये जो काफ होते हैं उनके स्टमक में से एक प्रोटीन को निकाला जाता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं रेनेट। सो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। तो रेनेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको कहां से हम निकालते हैं, तो रेनेट को हम जो काफ होते हैं उसके स्टमक में से निकालते हैं, बिकॉज रेनेट कंटेन, रेनेट के अंदर एक एंजाइम होता है रेनिन। तो रेनेट कंटेन एंजाइम रेनिन, कंटेन एंजाइम रेनिन, रेनेट के अंदर आप देखोगे तो एक एंजाइम होता है रेनेट, रेनिन। तो यहां से भी आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना दो लाइन है, दो लाइन में ही हमको पढ़ना है रेनेट, बट दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से बच्चों, या प्लीज रिमेंबर, बराबर। तो विच मतलब फ्रॉम फॉलोइंग विच कंटेन एंजाइम रेनिन, तो आपका राइट ऑप्शन होगा रेनेट। जो रेनेट है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टमक ऑफ द काफ कंटेन एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड रेनिन, दैट इज कॉल्ड रेनिन। अंडरस्टूड बच्चों, मालूम पड़ गया रेनिन, इसको हम बोलते हैं रेनिन, दैट इज यूज। अब क्वेश्चन ये है कि रेनेट को हम कहां पे यूज करते हैं, तो रेनेट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ चीज, बराबर। रेनेट कहां पे यूज करते हैं, तो रेनेट इज यूज Use in the making of cheese, cheese बनाने के लिए हम रेनेट यूज करते हैं। प्लीज रिमेंबर, cheese बनाने के लिए हम रेनेट को यूज करते हैं। तो तीन हो गया हमारा, प्रोटीज एंजाइम हो गया, एमिलेज हो गया, रेनेट हो गया। फोर्थ जो हमारा एंजाइम है, कौन सा फोर्थ एंजाइम है, तो ये भी बहुत छोटा सा है, तो इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, बराबर। बहुत ही छोटा सा एंजाइम है, दो लाइन का है, बट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो एंजाइम है हमारा लैक्टेज, तो एंजाइम इज लैक्टेसिस, लैक्टेसिस। अब देखो करता क्या है लैक्टेज के बारे में, लैक्टेसिस एंजाइम, लैक्टेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, तो एंजाइम लैक्टेज जो है ये जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर एक सुगर होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। तो जो एंजाइम लैक्टेज है, तो लैक्टेज कन्वर्ट लैक्टोज मतलब के मिल्क सुगर इनटू लैक्टिक एसिड,
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्यूलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड केसीन। तो यहां से दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो लैक्टेज क्या करता है? तो लैक्टेज कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करता है? जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज मतलब मिल्क के अंदर जो शुगर होता है ना बच्चों, उसको हम लैक्टोज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। सो कन्वर्ट लैक्टोज इंटू लैक्टिक एसिड। लैक्टेज क्या कर देगा? लैक्टेज जो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको कॉग्यूलेट कर देता है। सो लैक्टिक एसिड विच कॉग्यूलेट मिल्क प्रोटीन, विच कॉग्यूलेट मिल्क प्रोटीन केसिन। सो प्लीज रिमेंबर बच्चों, ये मिल्क प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन, उसको कॉग्यूलेट कर देता है। कॉग्यूलेट करने की वजह से क्या होता है, मिल्क पूरा जम जाता है, दही बन जाता है, दही। तो दही कैसे बनता है, कर्ड कैसे बनता है? तो मिल्क के अंदर आप एक एंजाइम डाल दो, लैक्टेज, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो डालते हैं। सो लैक्टेज हो गया आपका, तो चार एंजाइम हो गए बच्चों हमारे। देखो क्या हो गया आपका, फर्स्ट कौन सा हो गया आपका, प्रोटीज हो गया। सेकंड कौन सा हो गया आपका, एमिलेज। थर्ड कौन सा हो गया आपका, रेनेट। फोर्थ कौन सा हो गया, लैक्टेज। अब एक लास्ट पढ़ लेते हैं बच्चों, बहुत लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, लास्ट बस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा फिफ्थ नंबर का जो एंजाइम है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, काइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। नाउ तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको हम कहां से निकालते हैं, कहां से लाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द स्ट्रेप्टोकाइनेस, मतलब कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उनके कल्चर में से निकाला जाता है, इसके लिए इसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे एंजाइम में से अगर हम देखें तो आपके क्वेश्चन आने के चांसेस स्ट्रेप्टोकाइनेस में से बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट आप देखो तो क्या है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकालते हैं, फ्रॉम द कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में से हम इसको निकालते हैं, एक तरह के बैक्टीरियम है, मतलब कि एक तरह के बैक्टीरिया है, देयर अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो उनका जो कल्चर होता है, कल्चर मीडियम में से ये एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम निकालते हैं। नाउ इसका काम क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर। प्लीज रिमेंबर, यहां से भी आपको पूछा जाएगा कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो एंजाइम है, सो सेकेंड होगा इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर। क्लॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्लॉट का मतलब होता है गड्ढे बन जाए, सॉरी मतलब कि जम जाना, जो जम जाता है ना, गांठ हो जाती है ना, गांठ, उसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो आप देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसमें गांठ बन जाती है, बराबर, तो जिससे मतलब के अटैक, हार्ट अटैक आने के, हार्ट फेलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम होते हैं इसको हम एज अ क्लॉट बूस्टर यूज करते हैं। इमरजेंसी पेशेंट में आप देखोगे कि कभी कभी किसी पेशेंट को अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो वहां पे इमरजेंसी में आप देखोगे तो डॉक्टर एक एंजाइम, एक इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन का नाम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। आप कभी भी, भगवान ना करे, आपके फैमिली में से किसी को एडमिट किया अटैक की वजह से, तो आप वहां पे देखोगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में एक इंजेक्शन कॉमन होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर, ये पूछा जाएगा।
तो आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एंजाइम इज नॉन एज अ क्लॉट बूस्टर, कौन से एंजाइम को हम एज अ क्लॉट बूस्टर जानते हैं। आपके जैसे एग्जाम आपको ऑप्शन दिए होंगे प्रोटीज, एमिलेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और लैक्टेज, तो आपका राइट ऑप्शन होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर। अब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाई स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नोन एज अ क्लॉट बूस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम क्लॉट बूस्टर क्यों बोलते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नोन एज अ क्लॉट बूस्टर बिकॉज इट रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो जम जाता है ना, मतलब कि जो गांठ होती है उसको रिमूव करता है, तो इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर फॉर रिमूव ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें से ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? बाय द डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्क्यूलर फाइब्रिन। मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक जो प्रोटीन होता है फाइब्रिन, ये फाइब्रिन प्रोटीन जम जाता है, इसकी वजह से ब्लड में ब्लड वेसल्स में मतलब के जम जाता है तो ब्लड कम जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज एज अ क्लॉट बूस्टर फॉर द रिमूविंग ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स बाय किस तरह से, तो बाय डिसोल्यूशन ऑफ, किसको डिसोल्यूशन कहता है, इंट्रावेस्क्यूलर फाइब्रिन, बाय डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्क्यूलर फाइब्रिन को ये डिसोल्यूशन कर देता है और इस तरह से ये ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट हो गया है, मतलब कि जो ब्लड जम गया है उसको रिमूव करता है। तो ये क्वेश्चन यहां से आपको, ये जो लाइन है बच्चों इसको लिख लो, बिकॉज इस लाइन में से आपको नीट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है पेशेंट में, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज इन द पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं, मतलब कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज इन द पेशेंट, जो पेशेंट होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, जो पेशेंट होते हैं इज यूज इन द पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल का मतलब क्या होता है, कार्डियक मसल्स। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है, बराबर, उनके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। नाउ दूसरा जो लास्ट आपका क्वेश्चन होता है ये आता है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है इट इज नोन एज अ एटीपी। स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम एटीपी भी बोलते हैं, एटीपी, बराबर। तो व्हाई इट इज कॉल्ड टीपी है, आगे पीछे हो गया। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नोन एज अ टीपीए। टीपी का मतलब क्या होता है, टी मतलब टिश्यू, पी मतलब प्लाज्मिनोजन, एन ए मतलब एक्टिवेटर। तो यहां से भी आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज राइट डाउन, कि यहां से आपको पूछा जाएगा कि विच एंजाइम इज नोन एज अ टीपीए, कौन सा एंजाइम टीपीए की तरह पहचाना जाता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नोन एज अ टीपीए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा कि टीपीए का मतलब क्या होता है, तो TPA, तो टी स्टेंस फॉर टिश्यू, पी स्टेंस फॉर प्लाज्मिनोजन एंड ए स्टेंस फॉर एक्टिवेटर्स, ए स्टेंस फॉर एक्टिवेटर। सो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज राइट डाउन इट और प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज।
सो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर. कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच.